आई होप आपने क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व कर लिया होगा चलो हम दोनों मेथड को देखते हैं आप कमेंट करके बताना कि आपने कौन सा मेथड यूज किया क्या आपने सही बनाया या गलत बनाया तो चलिए सबसे पहले यूज करते हैं मेथड वन जो एग्जाम से पहले लोगों को ये समझ में आता है और मैक्सिम जनता इसी मेथड को यूज करती है इस क्वेश्चन में सोल्व करने में सो मेथड वन क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू एट ए भी दिया हुआ है तो so हमें करना क्या है और हमें पता है ए और बी हमें ये पता है ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो तो so, जो पहला मेथड वन होता है वो ये बोलता है कि आप अपने गिवन इक्वेशन और एक्सप्रेशन में ए बाई बी को डिवाइड कर दो बोथ द साइड्स फ्रॉम हियर यू विल गेट ए बाई बी यहाँ क्या मिलेगा बी बाई इज़ इक्वल टू एट देन आप क्या करो किसी एक को आई एम से बाई बी को टी एज्यूम कर दो देन रिप्लेस ए बाई बी बाई टी तो ये दिखेगा टी प्लस वन बाई टी इज इक्वल टू एट

फोर इंटू टू प्लस माइनस टू इंटू फिफ्टीन डिवाइड बाई टू जो फाइनली टी का जो वैल्यू मिलेगा दिस इज फोर प्लस माइनस रूट फिफ्टीन अब टीज टू ए बाई बी टू वैल्यूज फोर प्लस रूट फिफ्टीन और फोर माइनस रूट फिफ्टीन अब हमें यहां पर यह सोचने पर मजबूर होना होगा कि हम दोनों में कौन सा वैल्यूज लें फोर प्लस रूट फिफ्टीन इज समथिंग 4 को तो मैं फोर लिख सकता हूँ ये थ्री पॉइंट तो तो में होगा ये वैल्यू सेवन प्लस में है तो अब ये सोचना है कि हम कौन सा वैल्यू ले बहुत बार लोग फोर प्लस रूट फिफ्टीन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आंसर गलत की तरफ लीड करता है तो बेसिक मेथड में आपके पास एक टाइम लग रहा है आपको यहाँ पे सोचना है ऐसे ये आपको बाद में भी सोचना पड़ेगा देखना है। है, है, है। है, है, देखो, हमें हमें पता है, A is smaller than B. अगर आपका A, B से छोटा होता है, तो ये fraction value है। मतलब की value है, की की तरफ करता मतलब जो जो वो fraction value लेनी होगी, हम इसी values के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इस वैल्यूज को नहीं लेंगे बिकॉज ए इज लेस देन बी इफ ए इज लेस देन बी आप बिगर नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो कभी भी एक इंटीजर्स वन से ज्यादा या कोई भी वैल्यू इम फ्रैक्शन में तो लीड नहीं करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिक अप्रोच का अब हमारे पास क्या मिल चुका है हमारे पास कुछ डेटा मिल चुकी है ए बाई बी इज इक्वल और हमें निकालना क्या है हमें निकालना है ए प्लस एंड द ए माइनस लेट्स डू द कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हमने कहा कि दोनों को ऐड करते हैं अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो फोर प्लस वन इज द फाइव मैं आपको लिख के बता दूं कि आप इजली समझ जाओ ये ए प्लस बी और अगला क्या होगा लेट्स सॉल्व दिस। प्लस वन इज द फाइव प्लस रूट फिफ्टीन और यहाँ क्या हो जाएगा फोर माइनस वन इज थ्री माइनस रूट फिफ्टीन अब इसे रैशनलाइज करते हैं थ्री माइनस रूट फिफ्टीन है तो हमें थ्री प्लस रूट फिफ्टीन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमीटर तो बहुत सिंपल होगा A B, यहां पे प्लस हो जाएगा आप बोलोगे ये नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है ऑब्वियसली तो नेगेटिव ही होगा ना बिकॉज ए बी से छोटा है ऊपर में फाइव फिफ्टीन हो जाएगा यहां से यहां रूट यह फिफ्टीन होगा यहां से यहां जाए तो ये आपका हो जाएगा दिस वन इज यहां पे माइनस वैल्यूज है यहां से यहां जाए तो ये माइनस होगा दिस ये कैंसिल आउट होगा तो so, हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज मिलने वाली है ये मिलने वाली है टू रूट फिफ्टीन माइनस सिक्स यही मिलने वाला है टू से ये कैंसिल होगा तो दिस वन इज माइनस थ्री जाएगा वैल्यू होगी रूट फिफ्टीन डिवाइड बाई थ्री एंड दिस इज आर आंसर एंड आई होप ये मेथड आपको बहुत आराम से समझ में आया होगा इसमें हमने क्या किया इसमें हमने ए बी से डिवाइड की ए बी को माना क्वार लिया कंडीशन के हिसाब से ए बाई बी फ्रैक्शन होगा या वन से ज्यादा होगा उसको लिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ये आपके आराम से क्वेश्चन में सॉल्व हुआ माइनस रूट फिफ्टीन थ्री आप इसे ये भी लिख सकते हो

कि आप किसी भी बेसिक एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो इसमें हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे इसमें हम डीआई नहीं पढ़ेंगे इसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या इसमें हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि मैथ्स पढ़ने में तो सालों साल लग जाते हैं डीआई पढ़ने में भी महीनों लग जाएंगे रीजनिंग पढ़ने में भी महीनों लग जाएंगे तो कम टाइम में कैसे रिजल्ट लाया जाए वो देखना है और मैं चाहता हूं आपका भी नाम रिजल्ट टैली में दिखता रहे इस टाइप से नाम आपके भी रिजल्ट टैली में आता रहे इसी प्रॉमिस के साथ इस बैच को मैं ला रहा हूं

फर्स्ट टाइम आपको करना क्या है फर्स्ट टाइम आपको टू ए बी बोथ साइड में एड करना है दिस बिकम्स टेन ए बी और सेकेंड टाइम में आपको टू ए बी दोनों साइड सब ट्रैक करना है दिस बिकम्स डन ये जो बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन ए बी ये जो बनेगा ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सिक्स ए बी हमें यही तो चाहिए अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकालू तो ये जाएगा प्लस माइनस टेन रूट ए बी अगर मैं वैल्यू तो इस कंडीशन से कि हम प्लस माइनस में कौन सा ले मुझे पता है ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो किसी भी दो पॉजिटिव का समीशन हमेशा पॉजिटिव नंबर की तरफ लीड करता है ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा ये देखना है देखो एज स्मॉलर देन बी तो ए माइनस बी निगेटिवल्यू की तरफ लीड करता है तो यहां लेंगे दोनों बी का वैल्यू है माइनस रूट सिक्स ए बी रूट ए बी रूट ए बी कैंसल आउट हो गया यहाँ पे क्या है रूट टेन अपॉन माइनस रूट सिक्स इक्वल टू यहाँ लिख सकता हूँ रूट फाइव इन टू रूट टू और रूट टू इंटू रूट थ्री विदेटिव डेटा रूट टू रूट टू कैंसिल आउट आंसर इज माइनस रूट फाइव अपॉन रूट थ्री या अगर आप करते हो तो रैशनलाइज कर दो ये जो डेटा देगा ये देगा माइनस रूट फिफ्टीन डिवाइड बाई थ्री और यही मेरा आंसर है सो दिस वन इज आंसर और ये जो क्विक अप्रोच है ऑलवेज बेटर होता है आपके बेसिक अप्रोच से तो अगर कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप डिस्कस करोगे एंड ये जो प्लस माइनस कंडीशन है ना इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है सिंस दोनों पॉजिटिव हैं तो समेशन पॉजिटिव होगा ए इज लेस देन बी तो ए माइनस बी निगेटिव होगा ये हमारा आंसर है जिसको हम ये भी लिख सकते थे आई होप आपने अब

सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप दो अपना बेस्ट मैं दे रहा हूँ अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन विद द एग्जामिशन मार्क्स टिल दैन गॉड बेस यू हैप्पी लर्निंग एंड बाय